नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आज दिनेश कार्तिक और विराट कोहली की साझेदारी ना होती तो शायद टीम इंडिया ना जीतती, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपको पूरे मैच की हाईलाइट बता रहे हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात देकर 3 मैचों की T20 सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 164 बनाए और टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने की चुनौती के लिए 165 रन का टारगेट दिया। टीम इंडिया ने इस टारगेट को 19.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 168 बनाते हुए लक्ष्य को हासिल कर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया। टीम इंडिया के लिए कप्तान विराट कोहली ने 41 गेंदों में नाबाद 61 रन की शानदार पारी खेली। कोहली की पारी में 4 करारी चौके और 2 गगनभेदी छक्के भी शामिल हैं। कोहली ने 65वें T20 मैच में कैरियर का 19वां अर्धशतक जड़ दिया। इसके अलावा शिखर धवन ने 41 रन ने भी अहम योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच में जीत हासिल कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई थी और दूसरा T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तीसरा मैच में भारत ने जीत हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। इस मैच में क्रुणाल पांड्या ने 36 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। T20 सीरीज में सबसे ज़्यादा 117 रन बनाने वाले शिखर धवन को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। ब्रिस्बेन में हुए पहले T20 में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मैच में विराट की सेना को 4 रन से मात दी थी। इसके बाद मेलबर्न T20 में भारत ने अपनी सीरीज जीत को उम्मीदों को कायम रखने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि बारिश ने सब पर पानी फेर दिया। बारिश के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच बेनतीजा रहा। अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भारत के हाथ से जीत फिसल गई और 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच ड्रॉ हो गया। अब पूरा दारोमदार तीसरे मैच पर आ गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज के मैच में 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 164 रन बनाए और टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने की चुनौती के लिए 165 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए डार्सी शॉट ने सबसे ज़्यादा 33 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान एरन फिंच ने 28 रन बनाए, जबकि विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने 27 रनों की पारी खेली। भारत के लिए क्रुणाल पांड्या ने 4 विकेट और कुलदीप यादव ने 1 विकेट अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया से मिले 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को उसके दोनों ओपनरों रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 5.3 ओवर में 67 रन की साझेदारी कर एक मजबूत शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा ने 23 रन की शानदार पारी खेली। 67 रन के स्कोर पर धवन भी पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क ने धवन को LBW कर दिया, जबकि एडम जंपा ने अगले ही ओवर में रोहित की पारी का अंत कर दिया। शिखर धवन ने 41 रन बनाए थे। इसके बाद कोहली और लोकेश राहुल 14 क्रीज पर उतरे। राहुल ज्यादा क्रीज पर टिक नहीं सके और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी चलते बने। जी हाँ, ऋषभ पंत पहली गेंद पर आउट कर भारत को बीच मझधार में छोड़ गए। इस तरह भारत ने अपने अगले 2 विकेट 108 रन पर गंवा दिए। फिर कोहली और कार्तिक ने 5वें विकेट के लिए शानदार 60 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। कोहली रनों का पीछा करते हुए अब तक 14 बार नॉट आउट रहे हैं। उनकी इन सभी पारियों में भारत ने मैच जीता है। कार्तिक ने भी शानदार पारी खेली और 18 गेंदों में 22 रन ठोक डाले, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। इससे पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शानदार रही और पहले विकेट के लिए कप्तान एरन फिंच और डार्सी शॉट ने 68 रनों की साझेदारी करी। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस ही रहे थे, क्योंकि भारत ने फील्डिंग में काफ़ी मौके गंवाए थे। 8वें ओवर की पहली गेंद पर फिंच ने क्रुणाल पांड्या की गेंद पर एक शॉट हवा में खेला, लेकिन रोहित शर्मा ने यह आसान कैच टपका दिया।
हालांकि अगले ही ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर कुणाल पांड्या ने फिंच का शानदार कैच लपका और फिर फिंच वापस पवेलियन लौटना पड़ा, जिसके बाद रोहित शर्मा ने राहत की सांस ली होगी। फिंच का जब कैच छूटा तो उस समय वह 22 रन पर थे, लेकिन 28 रन के निजी स्कोर पर वह आउट हो गए। इसके बाद 10वें ओवर में कुणाल पांड्या का कहर दिखा और उन्होंने लगातार दो गेंदों में दो विकेट झटक कर अपनी टीम को एक बेहतरीन कमबैक कराया। उन्होंने लगातार दो गेंदों पर डार्सी शॉट और बैन मेड रॉटमार्क को पवेलियन लौटा दिया। मैक्स बेल भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और कुणाल पांड्या ने उन्हें भी 14वें ओवर में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। कुणाल पांड्या ने 16वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर अपना T20 इंटरनेशनल में पहला 4-विकेट हॉल पूरा किया। क्रिस लेन के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 6ठा विकेट गिरा जब जसप्रीत बुमराह ने उन्हें शानदार डायरेक्ट हिट पर रन आउट कर पवेलियन भेज दिया। इससे पहले ये बता दें आपको कि जिस विकेट पर सभी पहले गेंदबाजी करने की सोच रहे थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में जेसन वरहन की जगह मिचेल स्टार्क को शामिल किया, जिसमें कंगारुओं की गेंदबाजी और मजबूत थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि टीम इंडिया भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहती थी और टॉस हारकर उन्हें गेंदबाजी ही मिली। आपको बता दें कि आज भारत की टीम में रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह और खलील अहमद खेल रहे थे। सभी खिलाड़ियों का अगर कंबाइंड परफॉर्मेंस देखें तो वो शानदार रहा। इस जीत के साथ ही अब भारत की अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में कई खिलाड़ी बदलेंगे, कई खिलाड़ी और आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये खिलाड़ी क्या भारत के लिए कुछ शानदार प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमेशा भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में दिक्कतों का सामना करती आ रही है। अब पहली बार होगा जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मजबूत बनकर ऑस्ट्रेलिया में जा रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस श्रृंखला को जीते, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।